हे वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बुलेट के ओवर हीटिंग इशू के बारे में। गाइस आपको तो पता ही है कि ये जो ओल्ड सीएम मॉडल बुलेट्स हुआ करती थी, ये उसके ओवर हीटिंग की वजह से बदनाम थी। ये जो ओल्ड बुलेट्स थी, इनका इंजन बहुत ज़्यादा हीट हुआ करता था। गाइस ये जो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम था, इसका मेन रीज़न था इस बुलेट का ऑयल पम्प। ये जो ओल्ड सीएम मॉडल की जो बुलेट्स हुआ करती थी, उनका ऑयल पम्प जो था वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था। अगर मैं इसके ऑयल पंप की बात करूं तो ये जो ओल्ड बुलेट का जो ऑयल पंप हुआ करता था, वो एक मिनट में 1.2 लीटर ऑयल ही सर्कुलेट करता था इंजन में। जबकि अगर मैं आज के यूसी मॉडल्स के बुलेट की अगर बात करूं तो उनका जो ऑयल पंप होता है वो एक मिनट में 10 लीटर से ज़्यादा ऑयल सर्कुलेट करता है। तो गाइज आपको इसी पे से अंदाजा आया होगा कि ये जो ओल्ड बुलेट्स है, इनमें ऑयल सर्कुलेशन इतना एफिशिएंट नहीं था, जिसकी वजह से बाइक का जो इंजन है वो ज़्यादा गर्म हुआ करता था। जैसे कि ये जो ऑयल है वो कूलेंट का भी काम करता है, और अगर आपके इंजन में ऑयल प्रॉपरली सर्कुलेट ना हो तो आपके बाइक का इंजन जो है वो हीट हो सकता है। गाइज ये जो ऑयल पम्प है, इसका अलावा भी और कुछ फैक्टर्स है जो आपके बाइक के ओवर हीटिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो गाइज चलिए उनके बारे में जानते हैं। गाइज सबसे पहला अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो वो है इनकरेक्ट पेट्रोल। अगर आपके बाइक में अगर खराब पेट्रोल है, या फिर अगर आपके बाइक के पेट्रोल में पानी मिक्स है, तो गाइज उस चक्कर में क्या होगा कि वो पेट्रोल का जो पानी है वो कार्बोरेटर में फंसेगा, और उस चक्कर में आप ज़्यादा थ्रॉटल लोगे। गाइज उसकी वजह से बाइक का जो इंजन है वो ओवरहीट हो सकता है। अगर मैं दूसरे रीज़न की बात करूँ तो वो है स्पार्क प्लग। तो गाइज मेक श्योर आप आपकी बाइक में जो है वो प्रॉपर जो कंपनी रिकमेंडेड है वही स्पार्क प्लग डालो। बहुत से लोग अपनी बाइक में कुछ अलग ही स्पार्क प्लग्स डालते हैं, या फिर बहुत सारे मैकेनिक्स जो है बाइक में डुप्लीकेट स्पार्क प्लग्स डालते हैं, उसकी वजह से आपकी बाइक का जो इंजन है वो ओवरहीट हो सकता है। मैंने कुछ लोग देखे हैं वो अपने बाइक में इरिडियम स्पार्क प्लग्स भी यूज़ करते। तो गाइज ये जो इरिडियम स्पार्क प्लग्स है, इनका और बाइक के इंजन हीटिंग का कोई भी लेना देना नहीं है। आप चाहे तो इरिडियम स्पार्क प्लग यूज़ करो या फिर नॉर्मल स्पार्क प्लग यूज़ करो, बट मेक श्योर आप जो है वो जेन्युइन स्पार्क प्लग्स यूज़ करो, बिकॉज उसकी वजह से आपकी बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा, और आपके बाइक के इंजन पे जो एक्स्ट्रा लोड आता है वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपकी बाइक का जो इंजन है वो ओवरहीट नहीं होगा। गाइज अगर मैं नेक्स्ट रीजन की बात करूँ तो वो है फॉल्टी इग्निशन कॉइल। तो गाइज आपको तो पता है कि आपकी बाइक की जो इग्निशन कॉइल है, ये आपके बाइक का हार्ट है। अगर आपकी बाइक की इग्निशन कॉइल खराब हो जाती है तो आपकी बुलेट स्टार्ट नहीं होगी। तो गाइज अगर ये इग्निशन कॉइल अगर खराब हो जाती है, या फिर अगर मैकेनिक कोई गलत टाइप की इग्निशन कॉइल अगर आपके बाइक को लगाता है, तो वो आपके बाइक को गर्म करेगी, वो आपके बाइक का जो इंजन है उसे ओवरहीट करेगी। तो गाइज जब भी आपको लगता है कि आपके बाइक में ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप एक बार इग्निशन कॉइल को जरूर चेक करना, बिकॉज अगर आपके बाइक में इनकरेक्ट इग्निशन कॉइल लगी है, या फिर अगर आपकी बाइक की इग्निशन कॉइल खराब हो गई है, तो वो आपके बाइक के इंजन को ओवरहीट करेगी। तो गाइज मुड़ते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ, वो है आपके कार्बोरेटर से रिलेटेड। गाइज अगर आपने आपके बाइक का कार्बोरेटर अगर इनकरेक्ट वे में सेट किया है, इसका मतलब अगर आपने आपके बाइक का जो कार्बोरेटर का जो एयर फिल मिक्सर जो स्क्रू होता है अगर वो इनकरेक्टली सेट किया है, और अगर आपकी बाइक का जो कार्बोरेटर है वो लीन मिक्सर प्रोवाइड कर रहा होगा आपके बाइक के इंजन को, तो गाइज उस चक्कर में आपकी बाइक ओवरहीट हो सकती है। बिकॉज अगर आपके बाइक के इंजन को अगर ज़्यादा एयर मिल रही है और पेट्रोल कम मिल रहा है, तो आपके बाइक का इंजन ज़्यादा गर्म होगा। तो गाइज मेक श्योर आप आपके बाइक का जो कार्बोरेटर है उसका एयर फ्यूल मिक्सर का जो सेटिंग है वो प्रॉपर रखें। मेक श्योर कि आप ज़्यादा एयर ना जाने दें बाइक के इंजन में, उसकी वजह से आपके बाइक का इंजन जो है वो ओवरहीट हो सकता है। तो गाइज अगर मैं नेक्स्ट रीज़न की बात करूँ तो वो आपके नॉर्मल हैंडलिंग पर आता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग सिग्नल पर खड़े होकर ज़बरदस्ती रेव करते हैं, या फिर अननेसेसरीली थ्रॉटल देते हैं अपने साइलेंसर का आवाज़ सुनाने के लिए। तो गाइज अगर आप ऐसा करते हो तो आपके बाइक के इंजन पर एक्स्ट्रा लोड आता है, जिसकी वजह से आपकी बाइक जो है वो ज़्यादा गर्म होती है। तो गाइज अगर मैं नेक्स्ट रीज़न की बात करूँ तो वो है आपके बाइक के टायर्स के बारे में। अगर आपके बाइक में एयर प्रेशर कम है तो आपके बाइक के इंजन को एक्स्ट्रा लोड लगेगा आपकी बाइक को आगे लेके जाने के लिए, उसकी वजह से आपके बाइक का जो इंजन है वो ओवरहीट हो सकता है। तो गाइज मेक श्योर आप आपके बाइक के जो टायर्स है उसमें प्रॉपर हवा रखें, सो दैट आपके बाइक का इंजन ओवरहीट ना हो। तो गाइज ये थे कुछ रीजंस बाइक के ओवरहीटिंग के बारे में। आई होप मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहूंगा। थैंक यू।